नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है और इसी आखिरी दिन की रिपोर्टिंग करने मैं खुद वसई के दीवानमान तालाब में गया था। तो वहां के क्या हालात थे, किस तरह से लोगों के क्या रिव्यू है और जनप्रतिनिधि का क्या कहना है, वो आप इस वीडियो में आगे देखिए। और आखिरी दिन है, लोग खुश है अपना त्योहार मनाकर। इतना ही कहना चाहूंगा, दिखे वीडियो ग्राउंड रिपोर्टिंग के। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। इंसान सर, आज आखिरी दिन है, किस तरह से जा रहा है, व्यवस्था क्या है? आज आखिरी दिन में जो 11 दिन के जो गणपति बाप्पा है उनका विसर्जन आज है, इसके लिए हम लोग ने 3 आर्टिफिशियल लेक तैयार किया है। और हमारा दीवानमान का जो तालाब ऑटो है, जो आर्टिफिशियल है, वहाँ पे 4 फीट के नीचे वाली जो मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन है। और जो बड़ी मूर्तियाँ हैं जो किला बंद अंदर नहीं जा सकती, वो उनको हम लोग ने तालाब में विसर्जन करने का डाला हुआ। कुछ ऐसा अंदाजा कि आज का कितना अभी तक विसर्जन हुआ है? अभी तक तो मेरे ख्याल से 25-30 तो गणपति का विसर्जन हुआ है, उसमें से सब विसर्जन तो कृत्रिम तालाब में। अच्छा, कृत्रिम तालाब में लोग कर रहे हैं, उसके बाद में लोग अपनी तरफ से क्या रिव्यू दे रहे हैं कि महानगर पालिका? नहीं, लोगों का अच्छा रिव्यू है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है महापालिका ने। हम लोग को भी इतनी अपेक्षा नहीं थी, इतने जोर शोर से हम लोग को सपोर्ट मिलेगा पब्लिक की। थैंक यू। मांगर साहब, आपकी आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? आखिरी दिन है गणपति विसर्जन का, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखो, यहाँ दीवानमान तालाब के ऊपर ये जो कृत्रिम हाउस जो है वो भी बनाया है तालाब में। आज 10वां दिन है और आज सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ शायद आने की संभावना है। बड़ी मूर्तियाँ अगर होगी तो तालाब में विसर्जन करेंगे, लेकिन जो छोटी मूर्ति है, बहुत छोटी मूर्तियाँ यहाँ आती है, जो कृत्रिम तालाब इधर किए हैं उसमें उनका कॉर्पोरेशन के थ्रू विसर्जन हो रहा है। और अच्छी तरह इधर का सब जो कॉर्पोरेशन का स्टाफ है, अपनी पुलिस का स्टाफ है, वो अच्छी तरह सहकार्य कर रहे हैं। महानगर पालिका आयुक्त साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा बताया था कि 65% से ज़्यादा कृत्रिम तालाब में हुआ, तो इसमें जनप्रतिनिधियों का उन्होंने खास करके आभार व्यक्त किया था कि जनप्रतिनिधियों ने भी इसका काफ़ी प्रचार किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? कृत्रिम तालाब आगे के सालों में किस तरह से हम उसमें और बढ़ावा दे सकते हैं? हो जाएगा आगे भी, लोगों को भी पता है कि पर्यावरण के हिसाब से कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन होना मांगता है, क्योंकि जल प्रदूषण होता है अगर तालाबों में विसर्जन किया है। और इस हिसाब से हमारे सब लोग प्रतिनिधि भी वो हिसाब से प्रचार कर रहे हैं, और सारे गणेशोत्सव वाले जो आ रहे हैं वो भी मानते हैं जो छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं उनका विसर्जन कृत्रिम तालाब में हो। मैडम, गणपति विसर्जन करके कैसा महसूस हो रहा है? महानगर पालिका की तैयारियों की क्या आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले अनंत चतुर्थी की मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, और हर साल की तरह इस साल भी महानगर पालिका ने, वसई विरार महानगर पालिका ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है गणपति विसर्जन की। यहाँ पे वॉलंटियर्स भी बहुत अच्छे हैं और बहुत पोलाइट है, और हर चीज़ की व्यवस्था की है। हमको अगर आरती का सामान चाहिए तो वो भी वो लोग उपलब्ध करके देते हैं, आरती के लिए जगह उपलब्ध करके देते हैं, और ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। कितना मार्क्स कितना देंगे? मैं कहूँगी कि खाली एक बात कहूँगी कि थोड़ा शेड अगर होता ना, मतलब बारिश की हिसाब से आरती के लिए, तो अच्छा होता। बस वही एक बात, तो मैं 8-10 पे दूँगी। थैंक यू। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।